कड़ी में 30 वर्षों से लगातार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन रामदयाल महतो द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, अब रामदयाल महतो जी महंत बन चुके हैं और जिस तरीके से भव्य रामलीला यहां पर दिखाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है और मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन आज कुछ कारणवश यहां पर परमिशन नहीं मिल पाया। जब पता किया तो रामदयाल महतो जी ने बताया कि इस बार दिल्ली के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बारिश की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो दलदल बनी पड़ी थी, इसलिए रामलीला तो किया जा रहा है लेकिन जो मेले का आयोजन वो नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से माता का पंडाल बनाया जाता है, भव्य पंडाल, हर बार की तरह इस बार भी पंडाल बनाया गया है और विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कल दशहरा मनाया जाएगा, कल रावण का दहन होगा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और कल क्या व्यवस्था रहेगी, कल रावण का दहन होगा किस तरीके से और कितना क्या व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी, जानते हैं रामदयाल महतो जी से। सर एक बार, आज रामलीला का आज आखिरी दिन है, नौमी है, कल दशहरा मनाया जा रहा है, कल रावण का दहन होगा, किस तरीके से व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। पहले तो अनिल जी आपका धन्यवाद, आपने इस पंडाल में आके कवरेज करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं रामदयाल दास महतो, संस्थापक श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट, महंत लोरिक धाम लोरिक ट्रस्ट का, पिछले 1995 से अब हम 2024 के कार्यक्रम कर रहे हैं, 30वां कार्यक्रम है। जैसे आपने कहा, ये पूजा के पंडाल तो इसी आकार में होना था और रामलीला और बाकी कार्यक्रम बगल के फील्ड में होना था, मगर किसी कारणवश ग्राउंड की स्थिति, नमी पानी के देखते हुए हमने इसी में दोनों व्यवस्था की और मगर श्रद्धालुओं के अपार प्यार अपार स्नेह बहुत खुश हैं। जितने बड़े बड़े हम पंडाल लगाते थे उतना आशीर्वाद नहीं मिलता, उससे ज़्यादा आशीर्वाद इस बार मिला है और पूरे दिल्ली के कोने कोने से हजारों मात्र बहन आज सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मैया के गोद खुंच भरने का कार्यक्रम किया है और माँ के भक्ता, देखिए पंडाल ये सब तो हम अपने बनाते हैं पैसा के बल पर, तो ये तो अच्छा हो सकता है मगर सबसे बड़ी बात भगवती की कृपा, ये जयंती देख रहे हैं, जयंती ये जयंती बहुत दुर्गा पंडाल में गए होंगे, भगवती के प्रसन्न का अगर किन्हीं को लगे भगवती प्रसन्न है या नहीं, तो ये जयंती से एहसास होता है कि माँ ने जयंती को किस प्रकार से, क्योंकि माँ का स्वरूप इसी में है अभी, तो इसी से पता चलता है कि कार्यक्रम कितना भव्य और सुंदर हो रहा। बात रह गई कल की, कल हमारी अभी ये बंद होने के बाद मंच बनेगा इस फील्ड में और फील्ड में मंच बनेगा और सारे व्यवस्था होगा और पुतला आ चुका, पुतला खड़ा होगा और पूरे ग्राउंड में हम भव्य तरीका से दशहरा उत्सव मनाएंगे हर साल की भांति इस साल। कितने लोग लगभग मौजूद होंगे यहाँ पर, कितने लोग आ जाते होंगे, भीड़ कितनी होती है? देखिए अगर ये न कहे तो ही अच्छा रहेगा भाई, जो आप देखते आए हैं, हम तो भाई 10,000-20,000 का उम्मीद करते हैं मगर पब्लिक लाखों लाख आ जाती है, वो हमारा कंट्रोल के बस की बात नहीं है। अब उम्मीद है कि दूसरा ग्राउंड में भी हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भगदड़ ना मचे, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रावण का दहन होगा, कुंभकर्ण भी होंगे, मेघनाथ भी होंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था किस तरीके से आप करने की इच्छुक है और क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? देखिए हमें 30 साल 29 साल के अनुभव है, हमको पता है कहाँ किस पॉइंट पर कमजोरी है, हम उस हिसाब से अपनी सुरक्षा व्यवस्था वॉलंटियर से लेके गार्ड से लेके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सब मुआयना कर गए हैं, सभी को बता दिया गया है और हमारे किसी प्रकार के अनहोनी के बचने के लिए हम वो सभी व्यवस्था कर रहे हैं। CCTV कैमरा की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, साउंड की व्यवस्था रहेगी, जगह जगह सिविल में और सभी तरह के सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी।
अच्छा, आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं भाजपा से, और क्या कमी रह गई थी कि इस बार बड़ा आयोजन नहीं हो पाया? हाँ, मैंने आपको कहा कि दिल्ली में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुआ, किरारी में जलमग्न है, लोगों को घर से निकलने का जगह नहीं है, रोड सड़क गली नाली सब बंद पड़ी है, और यहाँ पर 5 एकड़ में कार्यक्रम करना, जिस 5 एकड़ में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें 5 फुट 6 फुट पानी भरा था, बारिश बहुत लास्ट तक हुआ और ग्राउंड खाली होने के बाद भी ग्राउंड में दलदल की स्थिति थी, इसलिए हमें प्रशासन से डिस्कस होने के बाद हमने जितना मलबा भर सका और करीब 3000 स्क्वायर मीटर में मलबा भर के हम माँ के भवन और रामलीला का भवन लगाया, बाकी जमीन अब ओके हो गया, जहाँ कल दशहरा मनाया जाएगा। क्या संदेश देंगे दर्शकों को कल के? दर्शकों के, अगर आप न्यूज आप मतलब ने एक तरह से प्रसारण करते हैं तो मैं सभी दर्शक से हर साल के भांति इस साल भी आप लोग आए और दशहरा उत्सव में भाग लें, और झूला नहीं है बाकी सभी तरह से आपको मनोरंजन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात दीप दर्शन माँ का ज्योति का होगा, आप लोगों को दर्शन के लिए ही माँ को मैं कल विसर्जन नहीं कर रहा हूँ, परसों करूँगा, तो आप सभी लोग जो अब तक दर्शन नहीं किए हैं वो सभी लोगों का माँ का दर्शन मिलेगा, इस पंडाल को दर्शन मिलेगा, इससे बड़ा खुशी की बात हो नहीं सकती। अभी आपने सुना पूर्व निगम पार्षद रामदयाल महतो जो अब महंत बन चुके हैं लोरिक धाम बिहार के अंदर, उन्होंने बताया कल की व्यवस्था जो है वो सुरक्षा व्यवस्था लोगों के लिए की गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं और लोगों की सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाएगा, और कल सिर्फ झूले का इंतजाम नहीं होगा बाकी हर तरह का इंतजाम जिस तरीके से हर साल किया जाता है इस साल भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं देशित, देशित को देखने के लिए देशित के साथ बने रहें। मैं अनिल वर्मा, राजधानी दिल्ली से।